जी, आपका स्वागत है चर्चा में। अब हम कोरोना पे बात नहीं करेंगे, अब हम अन्य बातें करेंगे, ठीक है ना? ऐसे आपको कोरोना पे हमारी बात लगी कैसी है? नहीं, बहुत बढ़िया टू द पॉइंट। और यानी जो आपने कहा नींबू के रस का, मैंने पहले भी सुना था, और लेकिन अब ऑफिशियल का आप, चूंकि ऑफिस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आपने भी काम किया है, तो आपको पता है कि किस तरह से काम होते हैं, क्या होता है। तो ये अच्छे काम क्यों नहीं हो सकते हैं? खराबी काम क्यों होंगे? बदमाशी के काम क्यों होंगे? रिश्वत के काम क्यों होंगे? भ्रष्टाचार के काम क्यों होंगे? लॉबिंग के काम क्यों होंगे? देशहित के काम क्यों नहीं होंगे? हमने कैसी सड़ी ब्यूरोक्रेसी क्रिएट की है जो कि अच्छी बात नहीं सोच सकती, अच्छी बात नहीं कह सकती है? ऐसी सड़ी ब्यूरोक्रेसी पे कि हम भरोसा ना करते हैं जो राष्ट्रहित में अच्छे निर्णय लेने में इतनी बेकार और कंडम है, जो अपनी नोटशीट पे जो है ना 4 लाइन अच्छी नहीं लिख सकती, ऐसी बात जिसका मैं हिस्सा रहा हूं, मैं उसकी भर्त्सना करता हूं। चलिए, अब जो है, क्योंकि आपका सुबह फोन आया था, तो आपको क्या समझ में आया? आपने मुझे फोन क्यों किया? आप किस तरीके से सीएफबी से जुड़ना चाहते हैं? सीएफबी के बहुत सारे हमने मॉड्यूल्स किए हैं, जिसमें एक क्राइम का बारे में है, फिर एक एग्रो के बारे में है, फिर एक चिकित्सा के बारे में, आयुष के बारे में है, फिर एक यू कॉमर्स के बारे में है, फिर एक इन्फोटेनमेंट के बारे में है, फिर एक जो है वो नेगेटिविटी फ्री फ्री भारत के बारे में है, फिर एक एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन के बारे में है। ऐसे मैंने आपकी, कल आपने एक लिंक दिया था एक ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उस वीडियो को मैंने आज सुबह देखा था। तो उसके अंदर जो बातें कही गई थी, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि भाई हम जो है, जो काम, यानी ये संस्था जो काम करना चाह रही है कि पूरे इंडिया में 20% मार्जिन हमें दें और हम उनको सारे रॉ मटेरियल, सारी चीजें सुविधाएं देंगे, रिसर्च करेंगे, सारी चीजें। तो मेरे को लगा कि अगर ये चीजें हम, यानी हो सके, तो वाकई में बहुत अच्छा होगा। तो मेरा मन किया कि भाई इस संस्था से हमें जुड़ना चाहिए, तो हमें अपना बनती कोशिश, अपना सहयोग देना चाहिए। देखिए, क्राइम फ्री भारत का ये कहना है कि रिसोर्स का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नेचर में जो है ना तो धन है और ना ही कॉस्ट है। ये करेंसी जो पेपर की हमने क्रिएट की है, ये हमारा क्रिएशन है, और जो कॉस्ट क्रिएट की है वो भी हमारा क्रिएशन है, और ये हमारे दो नालायकी के क्रिएशन ही हमारे सभी बंधनों के कारण है। अदरवाइज इस पृथ्वी पे जो कुछ भी हो रहा है, उसकी मूल ऊर्जा जो है वो सूर्य है, राइट? सूर्य की ऊर्जा से ही वनस्पति पैदा हुई, सूर्य की ऊर्जा जो है ना, बाद में जो है ना, पेड़ नीचे दब गए तो कोयला बने, मतलब सूर्य की ऊर्जा से ही जो है ना अनाज पैदा हुआ, सूर्य की ऊर्जा से ही फल पैदा हुए। तो देखा जाए, मैनिफेस्टेशन का स्वरूप जो भी हो, उसके लिए सूर्य की ऊर्जा रिस्पॉन्सिबल है, जो भारत में अवंडेंस में है। अब उस ऊर्जा को मूर्त रूप देने के लिए आपको आदमी चाहिए, होशियार आदमी चाहिए। तो इंडिया में पुराना वैदिक ज्ञान है, अभी हमारे नए बच्चे भी चमत्कार कर रहे हैं, तो हमें ह्यूमन रिसोर्स की भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारी मेन प्रॉब्लम है, जो अभी कोरोना के बारे में बात कर रहे थे, कि हमारी पॉलिसी घटिया है, वो किसी के जवाब में बनाई जा रही है, हमने अपने वैदिक कल्चर को नहीं समझा है। सीएफबी का कहना है कि हम ज्ञान नहीं बांटेंगे। क्यों? क्योंकि हम सब या तो समतल पात्र हैं, तो जो कि ज्ञान को होल्ड करने की क्षमता नहीं रखते हैं, ज्ञान को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करने की क्षमता नहीं रखते हैं, और या हम ज्ञान के महापात्र हैं, लेकिन ये ज्ञान के महापात्र जो है वो ओवरफ्लो हो रहे हैं, उन्हें किसी दूसरे के ज्ञान को जो है ना अवशोषित करने का, उसको होल्ड करने का और उसको जमीन में उतारने की क्षमता नहीं है। और हमारे जो महापंडित हैं, वो शास्त्रार्थ में बहुत भरोसा रखते हैं, उन्हें इस बात में रुचि ही नहीं होती है कि वो ग्राउंड पे उतर जाए, तो उन्हें जो है एकेडमिक डिस्कोर्स में बड़ा आनंद आता है। तो क्राइम फ्री भारत कहता है कि हम एकेडमिक डिस्कोर्स ही नहीं करेंगे, हम जो है ज्ञान को और अवेयरनेस को बांटेंगे ही नहीं।
हम कह रहे हैं कि हम जो है इसको स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उसको देंगे जिससे हमें काम कराना है। पूरे इकोसिस्टम में हर कोई हमारा ज्वाइंट वेंचरिस्ट होगा, तो किसान भी हमारा ज्वाइंट वेंचरिस्ट होगा, एग्रो इंडस्ट्री वाला भी हमारा ज्वाइंट वेंचरिस्ट होगा, जो नर्सरी पौधों की नर्सरी बना रही है वो आज की नर्सरी से बहुत बड़ी नर्सरी होंगी जिसमें मेडिसिनल प्लांट होंगे, हॉर्टिकल्चरल प्लांट होंगे, एरोमेटिक प्लांट्स होंगे, फोडर प्लांट्स होंगे, राइट। ऐसे ही जो है ऐसी हमें लाखों नर्सरियां चाहिए होंगी टू टेक केयर ऑफ द टोटल ट्री रिक्वायरमेंट और विच वी विल बी क्रिएटिंग नॉट ऑन गवर्नमेंट लैंड, नॉट ऑन फॉरेस्ट लैंड। जो हालांकि हम गवर्नमेंट और फॉरेस्ट लैंड को भी बाद में अपने घेरे में लाएंगे, लेकिन अभी निजी जमीन का हम उपयोग करेंगे, ठीक है ना। फिर ब्रीडिंग सेंटर्स होंगे, तो हर खेत में जो है गौशाला होगी और उस गौशाला में देसी गायों की ब्रीड बहुत फास्ट तरीके से वैज्ञानिक ढंग से तैयार की जाएगी, जिसमें हम जो है आर्टिफिशियल से लेके जो असॉर्टेड सीमेन है, जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसका यूज करके हम बहुत जल्दी बहुत बड़ी संख्या में उस काऊ को, देसी काऊ को हम तैयार कर पाएंगे जो हमारी हर तरीके की नीड को पूरा करेगी। और गाय का जीवन, गाय एक जो है दूध देने की फैक्ट्री नहीं होगी, वो गाय माता है, तो उस गाय माता के शेड जो रहेंगे वो स्टेट ऑफ आर्ट शेड बनेंगे, उसके ऊपर जो सोलर पैनल लगेंगे जो एनर्जी को जो है ना जनरेट करेंगे, उसमें नीचे जो है ना बहुत ही सुरीले महंगे ध्वनि यंत्र लगेंगे जिसमें मंत्र चलेंगे, क्योंकि कहा गया है कि एक आपने सुना होगा कि जब कोई महिला गर्भवती हो तो अच्छी अच्छी बातें करना चाहिए, उसे स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो स्ट्रेस बच्चे के जो है ना दूध पे और उसके बच्चे पे असर डालता है। तो जब हम मंत्रों का वातावरण रखेंगे तो उस मंत्रों का हवन का वातावरण गाय के शरीर पर, गाय के मूत्र पर, गाय के गोबर पर, गाय के दूध पर, गाय के घी पर, सब पर बहुत अच्छा अनुकूल परिवर्तन लाएगा। उसे जो है बहुत न्यूट्रिशियस फॉडर दिया जाएगा, उसे बहुत न्यूट्रिशियस जो है खाने को दिया जाएगा, मेडिसिनल प्लांट दिए जाएंगे जिससे उसके दूध में वो मेडिसिनल वैल्यू भी आ जाए। जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, राइट। और इसी तरीके से हर खेत में जो है वो शहद पैदा की जाएगी, बी कीपिंग होगी, और वो बी कीपिंग जो है वो डेडिकेटेड पार्क टाइप के होंगे, तो जिस मेडिसिन प्लांट के पार्क में वो बी कीपिंग होगी उस शहद में मैं ऐसी अपेक्षा करता हूं कि उस औषधि के गुण भी आ जाएंगे, तो वो शहद शहद ना होके औषधि बन जाएगी, शुद्ध औषधि। वैसे भी हम शहद हमारी औषधि है, लेकिन फिर वो और बड़ी औषधि बन जाएगी, हनी फॉर ब्लड प्रेशर, हनी फॉर लीवर, हनी फॉर डायबिटीज, हनी फॉर दिस, हनी फॉर दैट, हम संभवतः उस स्पेशलाइजेशन में भी उसे ले जा पाएंगे। हम उस गाय के शेड के साथ साथ उसको एक ह्यूमन, एक माँ का स्वरूप देंगे, तो एक शेड रहेगा जिसमें गाय की पूजा की व्यवस्था होगी, एक गाय का शेड होगा जिसमें कि आप जो है ना गाय को, और जो पूजा रहेगी वो वैसे ही होगी जैसे आप गंगा की आरती करते हो ना, ऐसी आरती होगी जिसको देखने के लिए आने वाले समय में दर्शक आएंगे, और एक छोटी टोकन फीस भी लगेगी, फ्री में नहीं देखने को मिलेगा वो। ऐसे ही आप जो है गाय को जो है चारा खिला सकते हैं, बहुत टोकन फीस पे आप चारे गाय को चारा खिला पाएंगे। ये अभी रिसर्च हुई है और अमेरिका में बहुत सारे सेंटर खुल गए हैं कि यदि आप गाय को गले लगाओ, गाय के साथ समय बिताओ, तो आपके स्ट्रेस से लेके बहुत सारी बीमारियां दूर हो सकती हैं। और ऐसे बहुत सारे सेंटर पहले अमेरिका और यूरोप वगैरह में चालू हैं, अब मुझे बताया गया कि इंडिया में भी कुछ कुछ चालू हो गए हैं, तो उसमें वो जगह भी होंगे बहुत टोकन फीस के साथ जो है ना। और ये गायें जो है इनके उसमें मशीनें होंगी उनकी मसाजिंग करने के लिए, उनको नहलाने के लिए, उनको सजाने की व्यवस्था होगी, तो गाय सच में गाय माता दिखाई देगी। अभी तो हमारी गाय जो है ना कचरा खा रही है, भूरे पे मिल रही है, हम उसको सही मायने में गौ माता बना पाएंगे। और आपके वेद में लिखा गया है कि आपको मालूम है लक्ष्मी जी सभी देवता गाय के स्वरूप में विराजित हैं, तो लक्ष्मी कहाँ विराजित हैं आपको मालूम है? नहीं, ध्यान नहीं है। फोटो में दिखाने के लिए
वो उनको गाय के पृष्ठभाग में दिखाया जाता है, राइट। एक्चुअली में वो पृष्ठभाग में भी नहीं है, वो गोबर में विराजित है, राइट। तो जो ये माइथोलॉजिकल स्टोरी है कि लक्ष्मी जी गाय के गोबर में विराजित है, ये मिलियन डॉलर की जो है ना मंत्र है ये। तो गाय के गोबर को जो है अमृत तुल्य जो है ना उसमें कन्वर्ट किया जाएगा, उसमें अर्थवर्म डाले जाएंगे, उसमें अलगई डाली जाएगी, उसमें जो है माइक्रोब्स डाले जाएंगे, और उस गाय के गोबर को गाय की खाद नहीं बनाया जाएगा, गाय के खाद की फैक्ट्री बना दिया जाएगा। और चूंकि सभी खेतों में गौशालाएं होंगी तो हमें इतनी ज्यादा गाय गोबर और खाद को पैदा कर पाएंगे कि हमारा पूरा जो है ना खेती वो नॉन केमिकल हो जाएगी। और हमें नॉन केमिकल खेती की बहुत आवश्यकता है। यदि हम नॉन केमिकल खेती पे नहीं गए तो आने वाले 5 साल में 3 में से 2 लोगों को कैंसर होगा, और जब 2 लोग जो है ना हॉस्पिटल में कीमोथेरापी कराते घूमेंगे तो उसके उसकी देखभाल के लिए एक आदमी भी चाहिए होगा। इसका मतलब है 99% ऑफ द पर्सन दो विल बी कंज्यूमिंग दिस आर्टिफिशियल केमिकल्स आर्टिफिशियल मिल्क दे विल बी सफरिंग फ्रॉम कैंसर। फिर भाई साहब खेती कौन करेगा, इंडस्ट्री कौन चलाएगा, आपकी सर्विस इंडस्ट्री कैसे चलेगी। शायद हमारी भाषा इस तरीके की होगी कि सर सॉरी आई कांट जो है ना अटेंड यू इमीडिएटली, आई एम गोइंग अलोंग विद माय फादर टू द फॉर द केमोथेरेपी, आई विल अटेंड यू इन इवनिंग 5 o'clock। शायद ऐसी वार्तालाप होगी। हमने अपनी दुष्टता से पानी को खराब करके बॉटल में बेचने में सफलता हासिल कर ली है। हम इतने बदमाश दिमाग के लोग हैं कि हम हर चीज को कॉमर्स में कन्वर्ट करने में बहुत विश्वास रखते हैं और फिर उसको 10 गुना कीमत पे बेचना भी चाहते हैं। कोरोना के समय आपने देखा है ऑक्सीजन के सिलेंडर कैसे बिके हैं। लोगों ने धन पैदा किया है, लोग माले माल हो गए हैं। तो एक तरफ परिवारों के 4-4, 5-5 लोग उछड़ गए और दूसरी तरफ लोगों ने अपनी तिजोरियां भर ली। हम इस ऐसे दुष्ट राष्ट्र में रह रहे हैं जहां जो वैदिक भारत की बात करते हैं वो चापलूसी के लिए लोगों को मूर्ख बनाने के लिए करते हैं। उस वैदिक भारत को जमीन पे क्यों नहीं उतारते हैं। क्राइम फ्री भारत उस वैदिक भारत को पुनर्स्थापित करेगा। जो आपने वीडियो सुना है उसमें हमने बताया है कि हमारे पास धन कहां से आएगा, और वो इतना बड़ा धन होगा कि मैथिली शरण गुप्त अपने CFB के माध्यम से भारत वर्ष को विश्व की सबसे बड़ी R&D हब बनाएंगे। हम विदेश की टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करेंगे, विदेश की टेक्नोलॉजी को इंडियन कल्चर में री इन्वेंट करके हमारे लाखों और करोड़ों पेटेंट्स होंगे। और दूसरी तरफ दुष्टता तो इतनी है कि लोग आपकी हल्दी की पेटेंट कराने की बात कर रहे हैं, जो हमारे वेदों में लिखा हुआ है। आपके जो न्यूटन महोदय कहते हैं कि हमारा फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ है, वो सब जो है ना वेद में लिखा हुआ है। मतलब उन्होंने आपका ही वेद पढ़ के आपको मूर्ख बना के खुद हीरो बन गए। और हम कितने अच्छे देश हैं। आपका राष्ट्रगान जो है वो क्यों गाया गया था आपको मालूम है, कब गाया गया था? राष्ट्रगान क्या है ये तो मालूम है ना? एक राष्ट्रगीत होता है, एक राष्ट्रगान होता है। राष्ट्रगान क्या है? जनगणमन। उसको अच्छे ढंग से गाइए। जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। ये भारत भाग्य विधाता कौन है आपको मालूम है? अंग्रेजों के लिए कहा गया है, ये जॉर्ज पंचम के लिए कहा गया है। तो हम कितने दुष्ट लोग हैं कि जो जॉर्ज पंचम की जो है ना स्तुति गान कर रहा है उस व्यक्ति को नोबेल प्राइज देते हैं और उसी व्यक्ति को जो है ना उसको हम राष्ट्रगान बनाते हैं। ये हमारा चरित्र है। हमारे पास एक जो है ना इसी जनगण मन के आधार पर एक सुभाष चंद्र बोस जी ने एक गाना लिखवाया था, उसको हमारे हम सरकार से प्रार्थना करते हैं। हमने अपने चैनल पर भी ये प्रार्थना की है कि उस जो सुभाष चंद्र बोस जी का जो जनगण मनादित था जिसमें कि भारत को जो है ना कहा गया है कि भारत भाग्य विधाता होगा, भारत का कोई दूसरा भाग्य विधाता नहीं होगा, भारत खुद भाग्य विधाता होगा, दुनिया का भाग्य विधाता होगा, वो ऑलरेडी अवेलेबल है और जनगण मनस से ही शुरू होता है वो। मैं माननीय मोदी जी से निवेदन करता हूं कि वो उस गाने को पार्लियामेंट में या जो भी व्यवस्था हो उसके तहत उसे राष्ट्रगान घोषित करें और इसको राष्ट्रगान के दर्जे से बाहर करें। ये गुलामी का जो है ना धोतक है। हमें जो है इंडिपेंडेंस मिली ही नहीं है,
हमें तो जो है ना खैरात में कुछ जो है ना बांट दिया गया है, आप जिसको अपना संविधान कहते हैं उसका 85% इज द कॉपी ऑफ द इंडियन एक्ट ऑफ 1935। किसने बनाया था वो आप मिला लीजिए यदि आपको कोई संदेह हो तो। बेचारे जो अम्बेडकर जी चाह रहे थे और जिन्होंने बाकआउट किया वो सच्ची तो जो ना किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। हमें अपनी पॉलिटिक्स से जो है ना फुर्सत मिले तब तो बात बने। बताइए हम कितने दुष्ट हैं कि जिस देश में चपरासी बनने के लिए साक्षरित्र भी होना चाहिए और सदाचारी होना चाहिए, अच्छा व्यवहार वाला होना चाहिए, साक्षर होना चाहिए, उस देश के की बागडोर संभालने के लिए, उस देश का कानून का निर्माता बनने के लिए साक्षरित्र होने की कोई जरूरत नहीं। 2019 के पार्लियामेंट में 42% जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दे आर हैविंग क्रिमिनल रिकॉर्ड एज पर देयर ओन एडमिशन और 29% उसमें से उनके खिलाफ मर्डर रेप जैसे जघन्य अपराध हैं। जब देश का सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई पार्लियामेंट साहब आप जो है ना एक कानून बना दीजिए तो हमें क्यों ये क्रिमिनल्स इतने प्यारे लग रहे हैं? ये यदि ये प्यार यदि इसी तरीके से सभी पार्टियों का अपराधियों के लिए बना रहा क्यों? क्योंकि इन नेताओं को मालूम है कि जो क्रिमिनल रिकॉर्ड का व्यक्ति है उसकी जीतने की संभावना 3 गुना ज्यादा होती है, तो उसे जो है अरविंद बरौनिया जी क्यों पसंद आएंगे? उसे तो मिस्टर एक्स पसंद आएंगे जो कि जिसके अंग्रेज जो है ना मर्डर और उसके केस हैं, क्योंकि वो बाहुबल के साथ आएगा, पैसे बल के साथ में आएगा और आपको जिताएगा। तो बरौनिया जी अच्छी बातें करेंगे तो और चले अच्छी बातें करने का जो है बरौनिया जी जो है ना कुछ एक्सपोज करेंगे स्कैंडल को, तो बरौनिया जी को तो किनारे करना ही ज्यादा अच्छी बात है। मैं ठीक बात कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। और जो पॉलिटिकल पार्टियों का अपराधियों के प्रति प्यार है ये चूंकि रुकने वाला तो है नहीं, क्योंकि कोई कानून तो बनाने वाला नहीं है, तो 2024 का पार्लियामेंट कैसा होगा? 2024 के पार्लियामेंट में 50% से ज्यादा लोग क्रिमिनल होंगे, तो फिर इसे आप डेमोक्रेसी कहेंगे क्या? इसको क्रिमिनलोक्रेसी कहेंगे, गवर्नमेंट ऑफ द क्रिमिनल्स बाय द क्रिमिनल्स एंड फॉर द क्रिमिनल्स। तो क्रिमिनल्स जो है और वो भी मोटी खाल के क्रिमिनल्स जिन्हें सत्ता का गरूर भी होगा, कानून बनाने की क्षमता भी होगी, है कार्य करने की क्षमता भी होगी। भाई साहब डंडा उनका होगा, कानून उनका होगा, चूतड़ आपका होगा, आपके दिन कैसे होंगे 2024 के बाद जरा उसका कुछ कल्पना करिए। बिफोर इट इज टू लेट लेट्स वेक अप एंड ज्वाइन क्राइम फ्री भारत टू ट्रांसफॉर्म दिस नेशन। आई प्रॉमिस विद द हेल्प ऑफ द CFB आई विल चेंज द फेस एंड फेट ऑफ दिस कंट्री। आपकी सहभागिता से हम ये करके दिखाएंगे। बिल्कुल आप मेरी बात से सहमत हैं क्या? बिल्कुल सहमत है, आपके साथ हैं। चलिए तो इस बात का यहाँ पे पटाक्षेप करते हैं। जय हिंद जय भारत। और अब आगे की बात करेंगे।